हेलो गाइस, वेलकम है आज की नई वीडियो में। आज मैं आपके लेके आया हूँ स्पेशल रेसिपी, तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेलकम है नई वीडियो में। आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो है वेजिटेबल पकौड़ास। आज मौसम ही हमारे बड़ा जबरदस्त हुआ है, बारिश हुई है सुबह से, तो आज जो है ना वो वेजिटेबल पकौड़ा तो काफी सारे चीजों से बना सकते हैं, लेकिन मैं जो आज बना रहा हूँ, अनियन है मेरे पास, रेड अनियन है, अनियन है मेरे पास, आलू है और पालक है, स्पिनिश, तीन चीजों से हम आज वेजिटेबल पकौड़ा बनाएंगे। वैसे तो काफी सारे स्टाइल हैं इसके, जिस तरह मर्जी बना ले, लेकिन तीन चीजों से आज बनाएंगे पकौड़े। कोशिश करें जितना आपका अनियन और आलू का लंबे कट जाए उतना ज्यादा अच्छा है। आलू स्किन के साथ ही यूज करें, उससे ये है कि आपकी जो है ना वो आलू अंदर क्रिस्पीनेस हो। इस तरह काटूंगा आलू, ठीक है, लंबे लंबे, जितना आप लंबा लंबा काट सकते हैं उतना ज्यादा। गाइस ये मैंने आलू काट लिए इस तरह, ये देखें लंबे लंबे इस तरह के काट के, तो अब बारी आती है नेक्स्ट पालक की। पालक को इस तरह पकड़े, आलू मैंने अच्छी तरह साफ कर लिए थे, धो लिए थे, पालक भी धो ली थी मैंने अच्छी तरह। रोल कर लिया मैंने इसको, एक कट मीडियम लगा, ठीक है, ये बेटी में आपकी पालक जो है ना वो उन्हें ज्यादा ब्रीक भी नहीं करनी। इसके अलावा तीन से चार जो है ना वो सब्ज मिर्च है, ये पांच के करीब है छोटी। तो थोड़ा सा मैं स्प्रिंग अनियन यूज करूंगा आधे के करीब, इसको भी छोटा छोटा मैंने ऑलरेडी ये हम फ्रीज कर लेते हैं काट के, कभी फ्रेश नहीं मिलता हमारा इधर, तो ला के तो ये मैंने कर दिया। तो इसको मैं बॉल में डालूंगा, अच्छा अनियन जो है ना वो कोशिश करनी कि आपने इसको खोल लेना है सारा, जितना काम कर सकते हैं। इसमें मैंने अब डालूंगा, इसमें फ्रेश कोरिएंडर है और फ्रेश मिंट है चॉप करके, तो मैं इसमें डाल, ये मैंने चॉप कर लिया, अब इसको इसमें डाल दें। अच्छा अब मैंने इसमें तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच नमक की है, एक छोटी चम्मच जो है ना वो रेड चिली की है, दो चम्मच जो है ना वो है कोरिएंडर क्यूमन पाउडर है, आधी चम्मच इसमें है गरम मसाला, दो चम्मच जो है ना वो दो से ढाई चम्मच है ये कसूरी मेथी है, ठीक है, और इसके अलावा एक चम्मच है साबुत जीरे की, एक चम्मच है साबुत कोरिएंडर, ये दो चम्मच है इसमें अनारदाना, ठीक है, ये चाट मसाला है एक चम्मच, और आधी चम्मच जो है ना वो ये क्रश ड्राइड चिली है, इसको ये डाल देंगे सारा कुछ इसमें। अभी बेसन नहीं डालना, ठीक है, अगर अभी बेसन नहीं डालना इसमें, इसको हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, ठीक है, बस आपने अनियन ख्याल रखना, अनियन और आपके आलू जो है ना वो ना टूटे, क्योंकि साबुत इसमें लंबे लंबे आएंगे तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मसाले आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेने, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब इसमें मैं डालूंगा ये तकरीबन दो कप के करीब बेसन है, ठीक है, एक जो सीक्रेट मैं आपको देता हूं, रेस्टोरेंट में हम लोग करते हैं कलर का इस्तेमाल, येलो कलर डालते हैं इसमें, उसमें ये होता है कि पकौड़ों की जो है ना वो चमक आ जाती है ज्यादा। वैसे मैं घर के लिए इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल आपको दिखाने के लिए है, ठीक है, तो ये मैं मिक्स कर लूंगा, ऑरेंज कलर जो है ना वो
तकरीबन अधिक चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी। हल्का सा इसको पानी लगाएंगे, ऑरेंज कलर जो ना आपका उसने छोड़ना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नमक मिर्च टेस्ट कर लेंगे एक बना के। चाहिए देखें मिक्सर में तैयार कर लिया, हल्का सा कलर डाला मेरा डाल के, तो अब इसको ठीक है थोड़ा थोड़ा इसको एक मैंने इससे पहले बना लिया छोटा बना के, तो उसका नमक में चेक कर लिया था, तो थोड़ा सा नमक कम था बाकी परफेक्ट था। तो नमक आप अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा तेज़ रख सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप उसमें नमक मिर्च वगैरह या थोड़े से और स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया था आधा एक कप के करीब दही है, ठीक है आधी गुच्छी तकरीबन इसकी मिंट की है, इसको पत्ते उतार लेंगे मिंट को। वैसे तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं इसको, लेकिन फ्रेश इसमें बनाने का जो अपना मजा है ना, अपना फ्लेवर आता है इसमें, उसका अपने मजा है। आधी गुच्छी करीब मिंट फ्रेश धनिया, ये तीन जो है वो ग्रीन चिली है साथ, तो भी बेशक आप छोटा छोटा कट काट लें। साबुत जीरा, अगर भुना हुआ जीरा मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, अगर नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, भुना जीरा और साथ नमक है। पकौड़ अनुसार तो टमाटर की चटनी बड़ी अच्छी लगती है, खाऊंगा। अच्छा ये मैंने ऊपर चाट मसाला डाल दिया, तो ये जो सॉस थी इसमें मिंट डाला था, फ्रेश कोरिएंडर था, चिली थी, ये देखें कोड़े आपके बहुत ही मज़ेदार है। इसमें कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, अगर आपको हार्ड पसंद है तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, कोई इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डाला, कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला, और बहुत मज़ेदार बने। ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया आज आपने मेरी वीडियो देखी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पे मेरा पेज है इसी नाम से, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे पेज को फॉलो कर लें। कोई भी आपकी सजेशन है तो कोई भी आपकी फरमाइश है तो प्लीज आप मैसेज करें, तो मैं मिलता हूँ आपसे इंस्टाग्राम पे। ओके।